ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो कल की घटना है उन्नाव की, जो 2018 में इन लोगों ने रेप किया था और इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, इन्हें जेल भेजा गया था, इनको जेल ना भेज के इनको सीधे गोली मार देना चाहिए या फिर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो कि ये छूट के जैसे ही जेल से आए, इन्होंने फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर और उस बेटी के आग लगा दी, जिससे कि उसकी बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जल चुकी है। मैं महिला होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, मैं आज उनका दर्द समझ सकती हूँ कि उनका दर्द क्या है। ऐसे लोगों को प्रशासन की भी सोचना चाहिए, उनको दौड़ा के तुरंत उनके पैर में नहीं, उनके सीधे सीने पर गोली मारना चाहिए, जिससे कि आम लोग और करने वाले अगर इस कदम को उठाने वाले हों तो वो इस काम से डरने लगें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मार दिए जाएंगे या हमें फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो हम अपने एक जीवन जीने के लिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि बहन बेटी सबकी बराबर होती है, चाहे आपकी बहन हो चाहे किसी की भी बहन हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देख रहे थे, जो ये कोई डॉक्टर महिला के साथ में ऐसा हुआ है, तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की प्रदर्शन करते तब नहीं, पहले से जागरूक होना चाहिए प्रशासन के कि कड़ी से कड़ी कदम उठा के तुरंत उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए या उनको गोली मार देना चाहिए। हमारी तो ये राय है।